हेलो डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे किचन में। आज बनाने जा रही हूँ तुअर दाल। तो इसके लिए हम ले लेंगे तुअर दाल। आधी कटोरी के करीब हम तुअर दाल ले लेंगे और इसमें थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ मसूर की दाल। इसमें ये इतनी सी हम मसूर की दाल ऐड करेंगे। तो चलिए इसे बनाते हैं। दोनों को मिला के पहले वॉश कर लेते हैं। तो दाल को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है दोनों दालों को मिला के। अब इसमें डाल देते हैं कटी हुई हरी मिर्चें। ये तीन मैंने हरी मिर्चें तीखी ली हैं। आपको तीखी पसंद नहीं है तो आप कम तीखी वाली भी ले सकते हैं। एक टमाटर काट के रखा है मैंने, ये भी इसमें डाल देते हैं। इसके अलावा स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा हम बाद में भी डाल सकते हैं। हल्दी पाउडर डाल रही हूँ 1 टीस्पून। और बस इसे अभी हम प्रेशर कुक करेंगे। अब इसे प्रेशर कुक करते हैं, 4 विसिल आने तक हम इसे प्रेशर कुक करेंगे। तो जब तक दाल तैयार होती है, इसके तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो जब तक दाल तैयार होती है, हम लहसुन को छील कर तैयार कर लेते हैं। तो लहसुन को हमने छील लिया है, धनिया को काट कर रख लिया है और 2 सूखी लाल मिर्च ले ली हैं हमने, और 1 चम्मच जीरा का ले लेना है। हम ये नॉर्मल तड़के वाली बना रहे हैं, इसमें मैं प्याज का तड़का नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ लहसुन और जीरे का तड़का लगाऊंगी। और लहसुन को हमें इस तरह से कूट लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर लहसुन का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दाल में फ्रेश लहसुन ही अच्छी लगती है। तो इसे फ्रेश लहसुन लेकर इस तरह से कूट कर डालें। तो आइए अब दाल की तरफ चलते हैं, देखते हैं। तो दाल को 4 सीटी हो चुकी है, देखिए इसे खोल दिया है मैंने। दाल हमारी अच्छे से गल चुकी है, देखिए। अब इसे थोड़ा सा घोट लेते हैं इस तरह से, हल्का सा बस। गैस का फ्लेम ऑन करेंगे। अब आप चाहें तो ये मिर्च निकाल सकते हैं, क्योंकि ये हमने लंबे लंबे करके डाले थे, तो इनको मैं निकाल ले रही हूँ। देखिए कटोरी लेके इसे इस तरह से निकाल लें। तो ज्यादा तीखी भी नहीं होगी दाल। और अब इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे। इसे एक बॉयल आने देते हैं, क्योंकि दाल की हमारी जो ये कंसिस्टेंसी है ठीक है। अगर आपको ज़्यादा पतली रखनी है तो आप पतली कर सकते हैं, ये देखिए। तो बस इसमें एक उबाल आने देंगे और उसका नमक और मिर्च थोड़ा देख लेंगे। तो इसमें बॉयल आ चुका है, अब इसे बंद कर देते हैं और इसे तड़का लगाएंगे। तो इसे दूसरे गैस पर शिफ्ट कर रही हूँ और इसमें यहाँ पर तड़का पहले लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे, 1 चम्मच के करीब तेल डालेंगे और 1 चम्मच के करीब इसमें डालेंगे देसी घी। अब इसे गर्म होने देते हैं। जैसे ही हल्का गर्म हो इसमें डालेंगे हींग। साथ ही डाल देंगे 1 चम्मच जीरा जो हमने बना के रखा था, निकाल के रखा था। अब इसके साथ ही डाल देंगे जो हमने लहसुन कूट के तैयार करके रखा है। इस तरह से चलाते रहेंगे जब तक लहसुन हमारा अच्छे से ब्राउन हो जाए। तो ये ब्राउन हो चुका है, अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसे भी मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही ये जो मिर्च हमने लिए थे ये भी इसमें डाल देंगे। और जो ये तड़का हमारा तैयार हो गया है ये हम दाल में डाल देंगे। अब इसे 2 मिनट के लिए कवर कर देते हैं, उसके बाद इसे सर्व करेंगे।
अच्छे से मिक्स कर लीजिए दाल में इस तरह से। देखिए तो तैयार हो चुकी है हमारी तड़के वाली दाल। इसमें मैंने प्याज का तड़का नहीं मारा है, सिर्फ लहसुन का तड़का मारा है। तो आइए इसे सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स तैयार हो चुकी है हमारी तुअर दाल तड़का, इसे मैंने सर्विंग बाउल में डाल दिया है। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया बनी है। इसे आप चावल के साथ सर्व करिए। सिंपल सी तुअर दाल है और बहुत जल्दी बनती है, बनाने में एकदम आसान, खाने में टेस्टी। तो इसी तरह से बनाइए तुअर दाल। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे नई रेसिपी में। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।